2014 के लोकसभा चुनाव में यूपी में कांग्रेस सिर्फ अपनी दो पुश्तैनी सीट ही बचा सकी, अमेठी और रायबरेली। लेकिन बीजेपी ने 2017 के विधानसभा चुनाव में इनमें भी सेंध लगा दी और अब बीजेपी ने कांग्रेस के इन गढ़ों में ध्वस्त करने के लिए अभी से बिसाते बिछानी शुरू कर दी है। स्मृति ईरानी अमेठी में लगातार अपनी सक्रियता दिखा रही हैं, वहीं अमित शाह 21 अप्रैल को रायबरेली जाएंगे। उधर राहुल और सोनिया अमेठी और रायबरेली का किला बचाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। अमेठी रायबरेली फतेह के लिए बीजेपी का प्लान, अपना पारंपरिक गढ़ बचा पाएगी कांग्रेस? स्मृति ईरानी ने फिर बढ़ाई अमेठी में सक्रियता। अमित शाह 21 अप्रैल को जाएंगे रायबरेली। दो चुनावों को लेकर बीजेपी अमेठी और रायबरेली सीट पर खास फोकस कर रही है। स्मृति ईरानी ने एक बार फिर अमेठी में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। उधर अमित शाह 21 अप्रैल को रायबरेली का दौरा करने वाले हैं। आज 21 तारीख को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का रायबरेली जनपद में आगमन हो रहा है। उनके साथ साथ उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं, उप मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष जी भी, बड़ी संख्या में केंद्रीय मंत्री और प्रदेश के भी मंत्री आ रहे हैं। इस तरह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये सपना ये सोचा है कि कांग्रेस मुक्त भारत, उसी के तहत रायबरेली जनपद को कांग्रेस मुक्त करना है, इसी उद्देश्य से हुआ। राहुल और सोनिया दोनों को इस बात का इल्म है कि बीजेपी ने उन्हें घेरने के लिए बिसाते बिछानी शुरू कर दी है। सो राहुल और सोनिया दोनों दिल्ली की सियासत से फुर्सत निकालकर क्षेत्र को वक्त दे रहे हैं। राहुल अमेठी में है तो सोनिया गांधी मंगलवार शाम को दो दिवसीय दौरे पर आई और अनुश्रवण समिति की बैठक में शामिल हुई। सोनिया के इस दौरे को लेकर भी जुबानी जंग तेज हो गई है। बीजेपी ने इसे चुनावी दौरा बताते हुए कहा कि ये दौरा 2019 के चुनाव के मद्देनजर है। 20 महीने से लापता सोनिया का अब आना पब्लिक को गुमराह करने जैसा है। दो वर्ष बाद उनकी रायबरेली की जनता याद आई है, लेकिन रायबरेली की जनता याद रखेगी भी, 10 वर्ष वो यहाँ की सांसद थी लेकिन विकास के नाम पर उन्होंने कुछ नहीं दिया। दो दो साल बाद जो आएंगी तो विकास कहाँ से हो पाएगा, सांसद निधि भी अपनी नहीं खर्चा कर पाई वो। इस दौड़े के विषय में क्या कहें, क्या लग रहा है ये दौड़ा जो हो रहा है? राहुल को भी कार्यक्रम में शामिल होना था, राहुल वापस ले गए। ये उनका सिर्फ राजनीतिक उद्देश्य था 2019 को लेकर, कि उनका जनाधार घटता नजर आ रहा है, बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, उनके कृत्यों से नाराज होकर इसीलिए दौड़ा। जी इसीलिए दौड़ा। इलाके की जनता और बुद्धिजीवियों की माने तो सोनिया का ये दौरा चुनावी है। वहीं कांग्रेस विधायक अदिति सिंह का कहना है कि सोनिया गांधी अनुश्रवण समिति की बैठक में भाग लेने आई थी, इसे चुनावी दौरा न समझा जाए। देखिए नहीं, ये जो मीटिंग थी ये होनी ही थी। आपको बताया कि हर साल एक विजिलेंस कमेटी बैठक होती ही है और शी इज हियर, माननीय सांसद जी यहाँ की सांसद हैं, शी इज हियर इन हर कैपेसिटी एज एन एमपी, एज आर इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो इसे किसी और नज़रिए से ना देखा जाए, किसी और चुनावी नज़र से ना देखा जाए, किसी और रणनीतिक उससे ना देखा जाए, वो एक एमपी के तौर पे आज अपने क्षेत्र में आई थी, अपनी लोकसभा क्षेत्र में आई थी और विजिलेंस बैठक अपने अधिकारियों के साथ और जनप्रतिनिधियों के साथ उन्होंने उसका वो किया। जहां एक तरफ पंचवटी परिवार का कांग्रेस से मोह भंग होना, वहीं एसपी विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे का सोनिया से मिलना, फिर सोनिया का उनके नवनिर्मित आवास पर जाना जरूर राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ाने वाला है। अब देखना है कि आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अपने इन किलों को बचाने में कामयाब हो पाती है या इन दोनों जगहों पर बदलाव की बयार बहती है। रोहित मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस, रायबरेली।